कामाख्या VVIP बाबा जेड प्लस निरापत्ता बेस्तनीर मजब थके बाबा नाम पंचानन गिरी महाराज महाराजर महिमा अपार आपुनी बाबार पोशाक साबने सुरक्षा कर्मी मा कामाख्यार आशीष विचारी अहा भक्तगणेओ बाबाक घूरी घूरी चाइछे अवश्य चुवार कारणो आछे बाबाक आगरी आछे जेड प्लस सुरक्षा कर्मीये बाबा महाराजर भविष्यवाणी 2019त मोदी सरकार नाहे सरकारलै आहिबोलै समाहत करिब लागिब चमत्कार इसलिए इन सभी धर्माचार्यों को 2019 कुंभ में एक धर्म संसद होने जा रहा है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा धर्म परिवर्तन का होगा कि औसत 6 महीने में कोई चमत्कार कर देगा फिर तो हम आशीर्वाद के बारे में सोच सकते हैं पर ऐसा कोई चमत्कार नजर तो आ नहीं रहा। गंगा भी वहीं है, राम मंदिर भी वहीं है, गौ भी वहीं है और कुछ नहीं कि गौ माँ का बिल रख दे जो उसकी पार्टी विरोध करेगी पता लग जाएगा कि गौ माता का कातिल कौन है। ऐसा काम तो हो सकता है लेकिन आज तक वो भी नहीं किया इसलिए संत समाज विचार करेगा सोचेगा। स्वयं मुख्यमंत्री तहतक आमंत्रण कर मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल मंत्री हिमंत विश्व शर्मा और जयंत मल्ल बरुआ बाबार शिष्य सुबह दर्शन भी हम लोगों ने इकट्ठे किए 21 के कार्यक्रम में भी हम इकट्ठे थे। उन बच्चों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ असम सरकार को CM को हिमंत विश्व शर्मा और जयंत को क्योंकि जिन्होंने दो साल पहले 51 पीठों पे माँ कामरू कमख्या की फ्लैक्सी लगाई थी और मोटरसाइकिल यात्रा निकाल कर पूरे वर्ल्ड के अंदर मैसेज भेजा था। हिंदुस्तान में मोटरसाइकिल गए थे बाकी जगह निमंत्रण दूसरे गए थे कि सभी माँ कामरू कमख्या में आए और उसके ये रिजल्ट हैं कि पिछली बार 30 लाख लोग थे आज उससे ऊपर हैं। माँ कामरू कमख्या में लोगों के आने वालों की सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। सरकार बहुत बहुत बधाई की पात्र है। अम्बुबासी मेलार प्रथम क्रेडिट दिले हिमंत मंत्री हिमंत विश्व शर्मार बाबे हे बोले सफल होइसे अम्बुबासी मेला। यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया कि पहली बार विश्व में सनातन के सभी धर्माचार्य जिसमें नागालैंड त्रिपुरा और वर्ल्ड को 13 अखाड़े जो कमांड करते हैं उन 13 अखाड़ों को सबको एक मंच पर पहली बार इकट्ठा किया 21 तारीख को CM के कार्यक्रम में। 2 साल से ये लगे हुए थे इसका जो क्रेडिट है हिमंत विश्व शर्मा और जयंतुन और CM को जाता है। जी नहक बाबा महाराज एतिया सकलोरे आकर्षणर केन्द्रबिंदु जिए आहिसे एबारले होलेउ साइसे तेक वीडियो जर्नलिस्ट अजय सहजुगत बबिता गगोई रिपोर्ट प्राग न्यूज़।